मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूं सासाराम नगर थाना के समीप में। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं कि यहां पर ऑटो और ई रिक्शा को वो पकड़ा गया है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि लगातार जिला पदाधिकारी के आदेश पर वाहन जाँच किए जा रहे हैं शहर में, ताकि जाम की समस्या न हो सके, और लगातार वाहन जाँच किए जा रहे हैं परिवहन विभाग के द्वारा। मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कैमरे के माध्यम से, देख सकते हैं ये जीप है और यहां नगर थाना के सामने भी वाहन को जांच किया गया है और पोस्ट ऑफिस चौराहे पर भी ई वाहन को जांच किया गया है, जिसमें लगभग 30 से 35 गाड़ियों को पकड़ा गया है, जिसमें ऑटो है और ई रिक्शा है। यहां का कहना है कि ऑटो और ई रिक्शा को इसलिए पकड़ा गया है कि अपने वाहनों को लगाकर सड़क के किनारे कहीं ना कहीं छोड़ दे रहे हैं, इससे लोगों की जाम समस्या बढ़ती जा रही है। इसी की वजह से जाम की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए वाहन को वो जाँच किया जा रहा है और टू व्हीलर और फोर व्हीलर को भी जाँच किया जा रहा है। लगातार जिला पदाधिकारी के निर्देश पर बढ़ती जाम की समस्याओं को देखते हुए शहर में वाहन जांच किया जा रहा है और फाइन भी किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि लगातार ये 5-6 दिन से ये मुहिम चलाई जा रही है जिला अधिकारी के निर्देश पर। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बात कराऊँगा, DTO भी है यहाँ पर, प्रवीण चंदन जी भी है यहाँ पर, अरे और यहाँ के अंचला अधिकारी CO भी हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि ये वाहन जाँच कब तक किया जाएगा और कितने दिनों तक वाहन जाँच की प्रक्रियाएँ चलाई जाएंगी। सर, लगातार जिले में 5 दिन से वाहन जांच किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपका रोड कम्प्लीटली क्लियर रहे, क्योंकि ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है, आम जनों को परेशानी होती है और इसी चलते एक्सीडेंट की भी संभावना रहेगी। इसी को देखते हुए बराबर अभियान किया जा रहा है कि आपका ट्रैफिक फ्लो स्मूथली चले, किसी को परेशानी नहीं हो और एक्सीडेंट भी कम से कम नहीं हो। जैसे ही ट्रैफिक का समस्या होती है, एक्सीडेंट भी बढ़ता है, आम जनों को आने जाने में परेशानी भी होती है, समय की बर्बादी होती है जाम में फंस जाने पे। तो इसी को देखते हुए हम लोग रोड को क्लियर करा रहे हैं, सभी लोग जितना इन्फोर्समेंट टीम है सब लग करके रोड को क्लियर कराते हुए, और जो ऑफेंस किए हैं उनको हम लोग पकड़ के हम लोग थाना में लाए हैं, MV एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। आज लगभग कितनी गाड़ियां पकड़ी गई हैं? आज 30-35 के आसपास है, जो उसमें ऑटो है, ई रिक्शा है, कुछ बिना नंबर वाले भी हैं, उनको वार्निंग भी दिया गया है, एजेंसी पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि एजेंसी को बिना नंबर रोड पे नहीं लाना है, नंबर नहीं दिए हैं तो वाहन को एजेंसी में ही रखना है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एजेंसी पर भी कार्रवाई का MV एक्ट में प्रावधान किया गया है। अच्छा, ये वाहन जांच की प्रक्रिया है जो कब तक चलता रहेगा सर? ये तो क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट तो बराबर कर ही रहा है, ट्रैफिक थाना भी है, उसको भी करना है, विधि व्यवस्था देखते हुए अन्य प्राधिकारी हैं उनको भी करना है, ये तो बराबर चलते ही रहेगा। सर क्या नाम है? राम बाबू।